शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनबीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। अजनी क्षेत्र के पार्वती नगर परिसर में पैसे के लेन देन को लेकर सेवानिवृत्त रेल कर्मचारी ने कथित आरोपी एक व्यक्ति ने खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगा ली। इसमें वह बुरी तरह झुलस गए। उनकी आज दोपहर मौत हो गई है। पुलिस सूत्रों के अनुसार पार्वती नगर निवासी सेवानिवृत्त रेल कर्मचारी सुरेश दुलीचंद कनौजिया उम्र 64 साल ने पिछले कुछ वर्ष पहले अपने पुत्र मितेश के लिए बिजनेस शुरू करने के लिए दुकान खरीदने की योजना बनाई। बस्ती के ही कमलेश नामक युवक ने कथित आरोपी रवि गुप्ता और पांडे के साथ में 15 लाख में शताब्दी चौक के आगे मेन रोड पर शताब्दी नगर में गुप्ता की एक कमर्शियल स्कीम में 15 लाख में दुकान खरीदने का सौदा हुआ। 3 साल पहले यह सौदा हुआ था। उस समय कनौजिया ने गुप्ता को 6 लाख रुपए एग्रीमेंट के तौर पर दिए, लेकिन यह दुकान किसी और से बेच जाने का आरोप मृत के पुत्र ने लगाया। इसी तरह और कई लोगों के एग्रीमेंट बनाकर दुकानें कई लोगों को बेची गई। बाद में जमीन के अवैध होने से महानगर पालिका ने अतिक्रमण के नाम पर पूरी इमारत गिरा दी। उसके बाद कनौजिया गुप्ता के घर गया और अपने पैसे वापस मांगने लगा, तो गुप्ता ने सिर्फ करीबन 2 से 3 लाख रुपए वापस किए और बाकी के पैसे वापस नहीं किए। बचे पैसे मांगने के लिए सुरेश अक्सर गुप्ता के घर जाकर मिन्नतें करता था, लेकिन गुप्ता ने पैसे नहीं दिए। उसी में आहत होकर सुरेश कनौजिया ने खुद पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा ली, जिसमें मंगलवार की दोपहर उनकी मौत हुई। कल 11:30 के दरमियान रामेश्वरी थी रवि गुप्ता यांच्या घरासमोर एक किसम आणि अंगावर पेट्रोल टाकून जाळून घेतले अशी माहिती मिळाली होती आम्हाला। त्यानुसार पोलीस स्टाफ घटनास्थळी गेला। त्यानंतर एक व्यक्ती तिथे जळालेल्या अवस्थेत होता, जिवंत होते। त्यांना मग त्यांचं नाव पत्ता विचारले असं त्यांचं नाव त्यांनी सुरेश कनौजिया सांगितले। त्यांना आम्ही मेडिकलला इथे उपचारासाठी आणले। त्यानंतर त्यांची विचारपूस केली असता अशी माहिती पडली की सुरेश कनौजिया आणि त्यांचा मुलगा मितेश यांनी रवि गुप्ताकडून एक काळा विकत घेतला होता 2018 मध्ये, परंतु तो नंतर अतिक्रमण कारवाईमध्ये तो पूर्ण प्लॅटफॉर्मचं अतिक्रमण काढण्यात आलं होतं, त्यामुळे तो गाळा काही त्याला मिळाला नव्हता। त्यामुळे ते गाळ्यासाठी दिलेले पैसे परत मागण्यासाठी ते गुप्ताकडे वारंवार जात होते। त्यामध्ये गुप्तांनी जवळपास त्यांचं असं म्हणणं आहे की 2 ते 3 लाख रुपये परत दिलेले, बाकीचे पैसे परत देत होते। त्यामुळे रागाच्या भरात मी अंगावर पेट्रोल टाकून जाळून घेतले असं त्यांनी बयान दिलेलं आहे। आता उपचारादरम्यान त्याचे मरण पावले असं माहीत पडलेलं आहे। त्यानंतर आता पुढील कारवाई आता करत आहोत। कॅमेरा पर्सन वीरेंद्र खोब्रागडे के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट, इन बीसीएन न्यूज, नागपूर।